हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कोरोना का प्रभाव क्या है और प्रौद्योगिकी को भी देखेंगे। कोरोना प्रभाव और प्रौद्योगिकी, तो देखेंगे कि अभी किस संदर्भ में, अभी चर्चा में है, क्यों कारण है, आपका आर्टिकल क्यों लिखा गया है, इसका एक सामान्य परिचय भी देखते हैं और जो तकनीकी हस्तक्षेप है उसे भी देख लेंगे। प्रौद्योगिकी प्रभाव से लाभ क्या है आपके, उन्हें भी देखेंगे और हानियां क्या है उन्हें भी हम लोग इसी क्लास में जान लेंगे। कोरोना प्रभाव और प्रौद्योगिकी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत को कोविड-19 घाटे से निपटने के लिए अपने तकनीकी ढांचे का उपयोग करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण भारत को भोजन, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी ने भारत में कई उद्योगों और प्रौद्योगिकियों के विकास के बजाय अप्रत्याशित रूप से उत्प्रेरित किया है। एक विस्तारित लॉकडाउन से प्रेरित होकर लोग नियमित खाद्य वितरण, चिकित्सा परामर्श या फिर शिक्षा कार्यों के लिए नए समाधान की तलाश कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित या फिर सुरक्षित रहने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपभोक्ता तनावपूर्ण अवधि में विश्वास पैदा कर सकता है और यह प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों और समाधानों के व्यापक दीर्घकालिक अपनाने पर जोर देने के लिए अप्रत्याशित उत्प्रेरक हो सकता है। ब्रांड्स अपने घरों तक ही सीमित रहने वाले उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पुराने और नए के बीच उपन्यास गठजोड़ की जा रही है। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट बड़ चैन बिग बाजार ने आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए बाइक बाइक एग्रीगेटर रैपिडो फूड डिलीवरी सर्विस स्कूटी की भागीदारी की है। इस बीच मैरिको जैसे उपभोक्ता दिग्गज उत्पादों की डिलीवरी के लिए फूड एग्रीगेटर जोमेटो और स्विगी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार निगरानी के लिए नए तरीके अपना रही है जो आने वाले दिनों में सामान्य हो सकते हैं। बात करते हैं तकनीकी हस्तक्षेप, टेली मेडिसिन। इस उभरते हुए क्षेत्र ने कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को स्मार्टफोन और वीडियो कॉल पर दूरस्थ स्थानों में रोगियों का निदान करने की अनुमति दी, परंतु यह क्षेत्र न केवल स्वयं बढ़ रहा है बल्कि तेजी से देश में दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। पैक्टो, पोर्टिया, लाइब्रेट जैसे स्टार्टअप जो रिमोट मेडिकल चेकअप की सुविधा प्रदान करते हैं, वे एक सामाजिक दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नर्सिंग होम और अस्पताल कि वेटिंग रूम में वायरस ना पहुंचे। इसकी अपरिहार्यता को महसूस करते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन में 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए नए दिशा निर्देशों को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज जारी किया है। कोरोना वायरस संबंधी चिंताओं से परे लोग अन्य मुद्दों के लिए कॉल और चैट की ओर भी रुख कर रहे हैं। डायबिटीज देखभाल और प्रबंधन ऐप BTO रोगियों को अपने नियमित चिकित्सक को प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का विकल्प देकर वास्तविक जीवन के अनुभव का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है आपका ओपन सोर्स डिजाइन। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य सेवा और फ्रंट लाइन सेवकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE की कमी से खुले स्रोत के डिजाइन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर विनिर्माण को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। पर्याप्त टेक इनोवेटर्स, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अलावा विभिन्न हैकथॉन के लिए वेंटिलेटर, परीक्षण किट, संपर्क ट्रेसिंग के लिए एप्लीकेशन और लिफ्ट बाकी कमरों के लिए संपर्क रहित डिवाइस बनाने के लिए सुविधाओं के निर्माण हेतु कॉल किया गया। कुछ ने कार्यशील प्रोटोटाइप बनाने में भी सफलता
प्राप्त की। आगे बात करते हैं, मेकर आसाइलम जो मुंबई और दिल्ली में एक सामुदायिक हैकर स्पेस है, ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए फेस शील्ड्स तैयार किया है। M19 शील्ड को प्रोटोटाइप के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किसी के द्वारा केवल 3 मिनट में बनाया जा सकता है। प्रत्येक फेस शील्ड को ₹55 से कम के लिए बनाया जा सकता है। निर्माता की शरण का अनुमान है कि देश में 500 हैकर स्पेस हैं जो M19 के डिजाइन को दोहरा सकते हैं, जो स्वयं खुला स्रोत है और सॉफ्टवेयर विकास प्लेटफॉर्म गिटहब पर विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग शोधकर्ताओं की टीम ने एक और महत्वपूर्ण नवाचार आया है। इसने एक पूर्ण PPE किट विकसित की है। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो इसकी कीमत ₹100 से कम होगी। पर आया आपका ऑनलाइन शिक्षा। मार्च में भारत के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए। शिक्षा प्रौद्योगिकी या फिर एड टेक नितांत रूप से आवश्यक हो गए हैं। कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्मों को भारत में एक बड़े ग्राहक आधार के रूप में देखते हुए उन्हें पारंपरिक लोगों के विकल्प के बजाय शिक्षा के पूरक तरीकों के रूप में देखा गया है। इसके अलावा एड टेक विशेष पाठ्यक्रम और मॉड्यूल तक सीमित था। शहरी भारत में बड़ी संख्या में स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो गए हैं। हालांकि यह चिंता छोटे शहरों गांव में है जिनमें से इंटरनेट बुनियादी ढांचा नहीं है, या फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के व्यापक रूप से अपनाने के कारण अंततः ई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा जो कुलीन संस्थानों और आबादी बेसीमा में आ सकते हैं। पर आपका निगरानी, भारत के अस्पतालों से भागकर और घर से बाहर रहने वाले लोगों के साथ घबराहट के कारण अधिकारियों की निगरानी तकनीकों को स्वीकारने के लिए मजबूर किया है। कुछ ही समय में सेलफोन जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में तैनात किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में इससे निजता की चिंता बढ़ जाती है। भारत सरकार ने 6 अप्रैल को संपर्क अनुरेखण के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने 18 मार्च को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि वह लोगों को के फोन को क्वारंटाइन ट्रैक करेगी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में घर से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन वॉच एंड्रॉयड के माध्यम से हर घंटे अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। एक अन्य दक्षिणी राज्य केरल भूबाड़ लगाने के अलावा रोगियों को टैग करने के लिए स्थान डेटा और CCTV फुटेज का उपयोग कर रहा है। अधिकारियों ने कोरोना वायरस रोगियों के प्राथमिक और द्वितीयक संपर्कों को ट्रैक करने के लिए कॉल रिकॉर्ड और GPS का भी उपयोग किया है। डॉन का प्रयोग, भारत अब तक डॉन तकनीक में बहुत आगे नहीं था बढ़ा है। COVID-19 दुनिया के बाद में हालांकि पुलिस और नागरिक अधिकारियों के इसके उपयोग की बात की है। हवाई निगरानी बड़े समारोह को ट्रैक करने में मदद करती है, भौतिक संपर्क को कम करती है और संकीर्ण वाहनों की निगरानी करती है जहां पुलिस वाहन प्रवेश नहीं कर सकते। उनका उपयोग सार्वजनिक स्थानों और आवासीय कॉलोनियों में कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए भी किया जा सकता है। बस भविष्य में डॉन गोपनीयता के मुद्दे को जन्म दे सकता है। एक संतुलन को एक मजबूत ढांचे के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए जो समुदाय कल्याण की मांग करते हुए नागरिक अधिकारों को मान्यता देता है। अब यही हम लोग प्रौद्योगिकी के प्रयोग से लाभ जो है उन्हें भी देख लेते हैं। कोरोना के टीके के निर्माण हेतु युवाओं का आह्वान देश में तकनीकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा या लॉकडाउन से होने वाले आर्थिक हानियों को कम करने में सहायक होगा।
एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत 80 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन देश के नाममात्र जीडीपी के 18 से 23 प्रतिशत के बराबर मूल्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था बना सकता है। यह शैक्षणिक हानि को भी कम करेगा। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को स्वीकारना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। आरोग्य सेतु जैसे ऐप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ के वास्तविक तत्वार्थ को सिद्ध करेगा या डिजिटल इंडिया से जैसे योजनाओं को भी प्रेरित करेगा। ई नाम जैसी तकनीकियां कृषि विपणन में सहायक होंगी। पर्याप्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हानियां क्या, यह आगे चलकर लोगों की निजता को प्रभावित कर सकता है। अभी भी भारत में डिजिटल निरक्षरता व्यापक रूप से प्रभावी है, जो प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमता का प्रभावित भी करता है। आगे की राय क्या हो सकती है? मानव का जीवन अन्य सभी मूल्यों से बढ़कर है तथा भारत में तकनीकी का प्रयोग आर्टिकल अनुच्छेद 21 में वर्णित गरिमामय जीवन की प्राप्ति सहायक सिद्ध हो सकता है। यह निश्चित है कि तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए तथा यह जन कल्याण हेतु उचित होगा। तो चलिए, यह था आपका कोरोना का प्रभाव उसी साथ और प्रौद्योगिकी से संबंधित।